और ये पहला बर्थडे ब्लॉग है मेरा, मैं आईफोन दे दे इसलिए कर रही हूँ। गाना तो गाओ गाइस, गोल्ड गिविंग। हाँ अरे उसको ये एक्सपेक्टेड हो ही नहीं सकता। तो हम बैक है आराध्य की व्लॉग में, जिसमें हमारे बर्तन और गंदे हुए। दीदी मैं नहीं डालूंगी व्लॉग में, और ये व्लॉग में नहीं डालूंगी। इसका बजट है और मैं आज की व्लॉगर होंगी, पर मुझे अगर छुट्टी मिल गई तो हम कल पक्का मिलेंगे। मैं व्लॉग ही नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कुछ होने नहीं वाला है, तो क्या कहा है का व्लॉग बताओ, सोते हुए व्लॉग डालूं? मतलब कह रहे थे फरार रोशन मिले, फरार रोशन, फिर उन्होंने बोला फरार रोशन की स्पेलिंग सुना, तो मैंने मेलोडी की सुना दी। मेलोडी की भी आती थी? नहीं। इनका मुंह से जला के बंद कर। इसके फैंस के पास मेरा नंबर है, वो मुझे कॉल पे कॉल कर जा रहे। मैंने कहा कि ये कौन है जिनने 25-26 कॉल कर दी मुझे, वो इसके फैंस है। मुझे कहता फोन उठाओ, कहाँ से नंबर मिल रहा है, और ऐसे बोला। हाँ। ऐसे बोला, फिर मैंने देखो इसकी मकाई में बहन को ऐसे फोन उठा। आप लोग मेरा नंबर ले लो, ढूंढ लो। नहीं ऐसे कौन बोलता है, इसको कोई फर्क नहीं है क्योंकि मेरे नंबर पे मैं अननोन कॉल जो भी आता है मैं उठाती नहीं। अगर इसका नंबर मेरी कॉल नहीं उठाती है, वो मेरी कॉल नहीं उठाती है। मैं रेडी हूँ अपनी लाइव के लिए। अभी अभी कितने बज रहे हैं? अभी मैं बर्थडे होने में आधे घंटे है, और मैंने 12 से 12:20 पे लाइव कर रखी है, तो मतलब 50 मिनट्स बचे अभी लाइव स्टार्ट होने में। गला बहुत ज्यादा खराब है और ये पहला बर्थडे व्लॉग है मेरा, मतलब मैं बर्थडे व्लॉग कभी करती ही नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों इस बार कर रही हूँ, ऐसे ही मजे में कर रही हूँ। कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद हम सो जाएंगे गाइस, सो जाएंगे। कितने बज रहे हैं अभी? 1 मिनट रह गया, कुछ 1 मिनट रह गया इसके बर्थडे पे। मम्मी स्टेटस लगाने में एज ऑलवेज वो बिजी रहती है कि मैं सबसे पहले स्टेटस लगा दूं, और मैं तो इसका हर साल का मैं इसका पहला विश आई हूं शक्ल। हां नहीं अच्छी तो अभी भी आई शट अप। पर हमने कहा कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राधे, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुक जाओ गाइस, पैर छूने दो, मैं पैर अब इसको। अरे जीते रहो, पैसा मिले इसलिए कर रही हूँ, आईफोन दे दे इसलिए कर रही हूँ। आईफोन का पैसा होने चाहिए, 2 लाख रुपए का है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरे ग्रीन ड्रेस से मैच कर रहा है, कल काटते हैं इसे। ए तुम फिर कलर बता रही हो। इस हैप्पी बर्थडे का इसका ये होगा, यस पता नहीं छोटे से केक लेके आई है। और कुछ आईफोन है तो बताओ। तो मैं काट रही हूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, गाना तो गाओ, गाना गाओ। हैप्पी बर्थडे डियर छोटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या लगाना है मुझे? गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं जस्ट उठी हूँ। और क्या मम्मी जस्ट कैसे उठी है, तो नहा चुकी है? तो जस्ट उठी हूँ मतलब नहा के, ज्यादा बता रही हो? नहा के तैयार होके जस्ट उठी हूँ, वो समझ गए मेरी बात, तुम ज्यादा बताओगी। गाइस अभी तैयार हुई हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर है। बोल दो मैं सुंदर लग रही हूँ, बोल। नो जलता है, मैं सुंदर लग रही हूँ गाइस। ये मैं एकदम फेवरेट सूट, मैं इतना टाइम पहले से लेके रख लिया था कि मेरे को तो यही पहनना है बर्थडे पे। गाइस मेरे को मिली है रिंग, गाइस गोल्ड की रिंग। मैं सोच रही हूँ गोल्ड की रिंग इतनी इतनी महंगी कब से हो गई मैं। वैसे गाइस मैं उतार दूंगी, गोल्ड की रिंग है भाई, मैं नहीं, मेरे से नहीं सहती है, मैं नहीं पहन पाती है गोल्ड सोना। मेरे को तो बचपन से गरीब रख रखा है इन्होंने, अब ऐसे गोल्ड की रिंग दे रही है, कहाँ से पहन लूं मैं बताओ, है ना मम्मी? एक तो गिफ्ट दे रहा हूं। यहाँ पे गाइस बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी। हाय क्यूची, नमस्ते नमस्ते। आ रही हूँ, वो खिला दो उसको, ये वाली को। मारेगी तो नहीं? नहीं। और तू और लाती, रुको और लाती। हेलो, अब मैं समझ गई आप नहीं मारोगे मुझे, आई ट्रस्ट यू। नहीं खाओगे और? ये तो बहुत जल्दी खा ली, ये तो बहुत जल्दी खा ली। हेलो, आपके लिए मिलाऊं क्या? रुको ले 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 ले, जितना मिल रहा है। मैं बहुत छोटे हाथ हूँ, मुझे पता है आपका पेट नहीं भरेगा, इससे पर मैं खिला दे रही हूँ। खिला दिया गाइस, बहुत सारा खिला दिया, अभी ये सारा बच जाएगा इन लोग को, मैं थोड़ा थोड़ा खिला दिया। हेलो, इसे कान पे क्यों लगा रखा है आपने?
नंबर्स होते हैं। क्यों? आधार कार्ड है। आधार कार्ड ऐसे कान पे थोड़ी लगा के, मैं थोड़ी कान पे लगा के घूमती हूं। जेब में लेके घूमेंगे? इनका साइड में रख दो यार। ऐसे ही होता है ब्रो, कान में कुछ होता है, छेद दिया जाता है। हां चलो आओ, चलो चलो। हो गया, खिला दिया। एक्सक्यूज मी, वो खाने की चीज दिख रही है आपको? बताइए बताइए, हमारी सेफ्टी है कि नहीं है? कुछ ये सब खाने की चीजें नहीं होती है, आपके लिए चारा भेजा है, वो खाओ। अच्छी शायद खाओगे, क्योंकि ये सब खाने का ही नहीं होता है, क्योंकि हम घर जाए। हैप्पी बर्थडे टू मी बोल दो। अरे मेरा कपड़ा खाने के लिए नहीं है। इस मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। मतलब बर्थडे गर्ल को ही बोला जा रहा है, अगर तेरे को सरप्राइज चाहिए तो इस रूम से बाहर निकल जा, क्योंकि इस रूम में बैठेगी तो तेरा सरप्राइज तेरे को ही पता चल जाएगा। 11 बजे मिलना था और अभी हमारे 12:30 हो रहे हैं। मैं अपना मेट्रो कार्ड ले आई हूँ, इसको हम टिकट दिलवाएंगे। कल से मैं इसको रुला रही हूँ, सबको गंदा गंदा बोलती हूँ। बच्चे इंसान का बर्थडे है, इंसान का बर्थडे इतना गंदा मनाना तो ना मनाया करो, इतना गंदा सुनाया जा रही है, कल से सुनाया जा रही है। अरे मत मनाओ बर्थडे, शिक्षा चलो गाय। आराध्या की दोस्त आ गई, शी आराध्या की बेस्ट फ्रेंड, और हमारी मेट्रो भी आ गई, और हम जहाँ जा रहे हैं ये ऐसे जा रही है, इसको बताना मत कहाँ जा रहे हैं। ये देखो दो सखियां, वो तो देख पता ही था पलक का, बहुत ऑब्वियस होकर मेरे पापा ने घर में चिल्लाते रह गए थे। नहीं, नहीं, पलक का बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि ये लड़की गिल्ट में नहीं थी, और नहीं गिल्ट में होती तो भर भर कैसे यार ब्रो यार मेरे को बहुत, क्या पता वो इग्नोर करना चाह रही होगी। छोड़ो, उसको खुद बोला था उनका सरप्राइज चाहिए। फिर मैंने उसे बोला, मैंने बोला कि जीन्स पहन, इसको पता नहीं कहाँ जा रही है, इसकी ये दोस्त है, सब हम जा रहे हैं। सुंदर लग रही है, हम सोचे इसकी आंखों पे पट्टी बांध के ले चले। चल आ जा। गाइस हम देखो पहुंच चुके हैं जहाँ हमें आना था, और ये आराध्या को लेकर आ रहे हैं। अब हम पहुंच गए एडवेंचर आइलैंड, थोड़ा सा यहाँ पे एडवेंचर कर लेगी, उसके बाद हमारा शाम को बहुत डिफरेंट प्लान है, शाम को थोड़ा ग्लैमर प्लान है, तो शाम को वो करेंगे छोटा सा इसका सरप्राइज। इसके लिए हमने गिफ्ट ले लिया, जो जो इसको ज़रूरत थी, हमने सिर्फ ज़रूरत का सामान लिया, बाकी सब इसके पास बाकी है, तो इसके जो ज़रूरत के सामान थे वो लिए हैं। वैसे इसको आइडिया तो हो गया होगा, सीधा देखना है तुम्हें, सीधा आइडिया। इसको सब पता था, इसको फिर ओके गाइस, अब कैसा लगेगा यहाँ पे ये सूट, आपको क्या लगता है? कोई नहीं, आई लुक ब्यूटीफुल। चलो गाइस हम आ गए हैं, हम आ गए हैं एडवेंचर आइलैंड रियली। हमारे घर से बहुत दूर पड़ रहा था तो ये ठीक था। पीछे देखो, हेलो बोलो, हेलो। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये ज्यादा बढ़िया है वहाँ जाना, क्या कहते हैं घर पे रहना, पर नहीं हमारी आराध्या को समझ नहीं आता। अब बैठी हुई है एरोप्लेन में, एरोप्लेन में कैसा लग रहा है पीछे? गाइस गाइस मेरी आवाज हो चुकी है बंद, और एकदम लड़कों वाली आवाज हो गई है मेरी। लोगों ने सोचा कि पानी बहुत फैसिनेटिंग सा लग रहा है, फैसिनेटिंग अभी सुनाने लग जाऊंगी तो चुप हो जा। हाँ तो हम गए, हम पानी में एकदम भीग गए इन्हीं कपड़ों में, और मेरे को बहुत हिचकी आ रही है, तो मैं से बोला नहीं जा रहा है पर मैं फिर भी बोल रही हूँ। तो हम लोग इसी कपड़ों में, अभी हमारे कपड़े सूख चुके हैं, हमें इतना ज्यादा भीग गए। देखो तो गाइस पूरा मेकअप वेकअप सब कुछ उतर गया, वैसे लगाया कितना था, पर जो भी है गाइस हम लोग का खत्म हो गया। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि इसके घर वाले इसको चप्पल मारेंगे, बहुत लेट हो गई है। अभी हम आराध्या को एडवेंचर आइलैंड से ले आए हैं, एंड दिस इज़ हर नेक्स्ट सरप्राइज, मतलब एडवेंचर आइलैंड वाला समवेयर उसको आइडिया था, क्योंकि पलक उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो वो आएगी ही, और एडवेंचर काइंड ऑफ जा रहे हैं क्योंकि सूट पहनने से मैंने मना किया था, तो वो वाला तो चलो कोई बात नहीं, उश हाँ तो वो वाला तो कोई बात नहीं हो गया, बट ये वाला सरप्राइज उसे पता नहीं है, क्योंकि इस सारे सरप्राइज में उसको जैसा बर्थडे चाहिए था ना, मतलब कभी उसके साथ हुआ नहीं ऐसा डेकोरेट वाला प्रॉपर वाला बर्थडे, वो हम उसको वो करके दे रहे हैं प्रॉपर है। तो उसने ना वीडियो भेजी थी कि मुझे ऐसा करवा दो कभी,
और हम पैसे ही करवा रहे हैं तो ठीक है, ये वाला उसको बहुत अच्छे लगने वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके लिए गिफ्ट हमने लिए हैं जो इतने टाइम से चाह रही थी, इतने टाइम से मांग रही थी, बहुत मुश्किल से, मतलब लिटरली आंसू आ गए, मैं रोई, मेरे दोस्त रो गए कि हम लोगों को मिल नहीं रहा। बट हम शायद अभी पक्का नहीं है, मैं आपको 10 मिनट में कंफर्म करूंगी, पर शायद वो हो जाएगा। तो ये वाला पट करवा देते, हम सेक्सी करवा लेते हैं। मैं काफ़ी गंदा रिकॉर्ड करा यार, बट आप इमोशन समझो, मतलब इमोशन के जब इस चीज़ से लग रही है ना पूरी प्रिंसेस। तो हम अपने वेन्यू पर आ गए हैं, नाउ द रियल, व्हाट डू यू थिंक आराध्या, की क्या सरप्राइज हो सकता है आपके लिए? आई डोंट नो, हाँ खाने पीने की चीजें, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये वैसे ही होगा जो आपने मेरे लिए प्लान करा था? गदो वाला नहीं, इट्स डिफरेंट, आई नो इट्स डिफरेंट। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मतलब आई एक्सपेक्ट जैसे कुछ अच्छा होगा। चल तू इस कैमरे में देखता रहो गाइस, देखो गाइस उसको एक्सपेक्टेशंस तो मेरे से हाई रहेगी क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है, चाहे आप छोड़ कितना क्योंकि इसको पता है मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी, मैं इसकी बड़ी बहन हूं मेरी। ओके वहां भी आराध्या, कैसा लग रहा है गाइस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा सुख है। हाय, हाउ आर यू? रिकॉर्ड हो रहा है, बंद करो। ओके गाइस, ये लास्ट सरप्राइज था, अब हम केक काट सकते हैं, आपकी वजह से केक भी कट रहा है। गन चला, गन चला, वो गाइस इसे मारती है, देखिए तेरे कर देगी ना, कट कर देगी, तो तू कर देगी ना, एडिटर नहीं हूं मैं, तो जो भी है गाइस, अब मैं बता सकती हूँ कि उसके लिए क्या क्या गिफ्ट्स थे। गिफ्ट्स तो हम अभी व्लॉग में दिखा देंगे, पर जो गिफ्ट था वो फाइनली, मैं 3 दिन से रो रही हूँ, 3 दिन से, कि अभी भी हम लोग को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ा, बट हमने कहा कि आज ही लेंगे, उस लड़की को देंगे, उसको ये एक्सपेक्टेड हो ही नहीं सकता। अब हम उसके लिए, सॉरी मैं बहुत गंदा व्लॉग कर रही हूँ, उसका गिफ्ट आ गया। ये बर्थडे के बाद का है, मतलब हमने केक वेक काट लिया है, हमें थोड़ा चल, हमने केक वेक सारा काट लिया है और राधा का गिफ्ट लेने गए थे, राधा का गिफ्ट आ गया है जा रहे हैं उसको देंगे, देख फाइनली ले लिया, अब देखेंगे उसका कि कैसा है। और अगर वो रोई नहीं ना, मैंने वापस ले लिया कि भाई रहने दे। खोल भाई, खोल खोल खोल, वे खुला हुआ है वो, मैंने लेने से पापा
आराम से गाइस मुझे नहीं पता ये कैसा आ रहा है। सारा गिफ्ट इसका हो गया है, सारी चीजें ये ब्लॉग खराब लग रहा है, ये खुद ये थोड़ा फटा फटा सा आ रहा है, पर क्वालिटी देख लेना ये नेक्स्ट टाइम क्वालिटी अच्छी आने वाली है। एक गिफ्ट हम ना भूल ही गए, हमने कहा मैं इसको सबसे पहले खरीदा वो वाला गिफ्ट और वो मैं भूल ही गई कि इसको दे दूं। मैंने कहा वो शिट ये वाला रह गया, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं घर जाके देंगे। ये चीज ये मुझसे कब से मांग रहे, इसको गैस करवाते हैं। गैस करो क्या है, तुम मुझसे बहुत टाइम से मांग रहे हो पीछे। लाइट कौन सी लाइट हो, छोटी वाली छोटी वाली, वो मैं बहुत टाइम से मांग रही हूँ से। इसने जो चीज़ इसने हमसे जो चीजें मांगी गाइस, मैंने इनको बहुत बोला था कि मेरे को एक गिफ्ट दे दो भाई, इतनी महंगी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं चाहिए, बस ये लाइट दे दो। खोलो जल्दी इसी में जलाओ, हमारी अभी चेहरा अच्छा आ जाएगा। अच्छा ऐसा ही करना, तो सो रही थी हमने जला के देखा था। है गदारी कर रही है, 31 की सुबह आया ना जब आपका तबीयत खराब था, आप सो रही थी। इन्होंने बोला ठीक 12 बजे दे दो, मैंने कहा ना फिर गिफ्ट के काउंट है, ये है वो है। ये मेरे को चाहिए था, ये मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था वो रंग। ओह माय गॉड वी आर वेरी ब्यूटीफुल गाइस, मेरे को ये चाहिए थी मेरी वीडियो के लिए गाइस, और देख रहे इसलिए चाहिए थी, इसलिए चाहिए थी मुझे ये वीडियो, इतना रो रही थी, ये चाहिए। ये सबसे पहला गिफ्ट मैंने खरीद लिया था, और उसके बाद हमने इसकी नियॉन लाइट करवाई थी, वो भी अभी जला के दिखाएंगे। और उसके बाद ये था, मैंने कहा यार हो गया इतना भी है, बट मैंने कहा अगर एक आईफोन आ गया अगर इसका सब सेट हो जाएगा। हमारा एडवेंचर आइलैंड का भी प्लान हो गया था, हमारा इसका जो कैफे में इसको एस्थेटिक बर्थडे सेलिब्रेशन पहली बार चाहिए था वो भी हो गया बहुत था सेक्सी हुआ भाई। तो मैंने कहा सब कुछ प्लान हो गया है, बस एक आईफोन की कमी है, वो रो धोकर कैसे करके लड़ाई करके पापा से, हमारे पापा का झगड़े, ये सारी चीजें करके